अस्सलामु अलैकुम, सो भाई वेलकम बैक टू द न्यू व्लॉग। एंड अभी हम जो है वो रात के टाइम उठ चुके हैं, मतलब सोए ही नहीं यार। आपको पता है जब रात को हम व्लॉग बनाते हैं तो हम सोए भी नहीं होते। अभी टाइम 3:15 हो रहे हैं और 3 बजे जो है वो हमें निकलना था, बट अभी हमें थोड़ा सा और टाइम हो गया क्योंकि सब जो है ना वो रेडी शेडी हो रहे हैं और रेडी शेडी होने में टाइम लगा रहे हैं। मैं भी रेडी ही हो रहा हूँ, अभी मैंने मुंह भी धोना है, मतलब कैप भी पहनना है, शूज भी पहनने हैं। और आपने जो कल का व्लॉग देखा था भाई, वो थोड़ा सा पुराना व्लॉग, मतलब बकराईद से पहले का, क्योंकि जो टमाटर्स के साथ ये सीन हुआ था वो बकराईद से पहले हुआ था। तो मैंने बोला था कि यार ईद के बाद डालूंगा ताकि ईद पे कोई ना प्रॉब्लम ना हो आप सबको या हम लोग को। तो अभी जो है टमाटर्स अल्हम्दुलिल्लाह बिल्कुल फाइन है और ठीक ठाक है, हमारे साथ जा रहा है ट्रिप पर, खुश है वो। कौन कौन रेडी है भाई, कौन 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 रे? अरे भाई माशाल्लाह, अरे वहां पर टिंगू बिंगू रेडी हो रहा है, सभा भी रेडी हो चुकी है। एटवुड बॉय रेडी हो गए? ऑलमोस्ट भाई सारे हो चुके, बस मेरे शूज रह गए। कैसा लग रहा है भाई हम सबके साथ आपको जाने में? मजा आ रहा है। अभी गए नहीं, मजा भी जा रहा है। क्या मतलब सोचा आपने, किस तरह जाएंगे, क्या प्लानिंग होगी, कौन कहाँ बैठेगा, बैग्स कितने आएंगे, कैसे आएंगे? तुम्हें जो ना 1 घंटा गाड़ी चलाने के बाद तुम भैया को दे देना गाड़ी। क्यों भैया को क्यों? बीच में भी पेंट पहन लेगा ना ये। ओ ये तो मैंने देखा ही नहीं, ये तो मिशलों में जा रहा है भाई। चप्पल शूज वूज तो पहनते नहीं? नहीं सही है, गाड़ी में तो बाप बोले भैया नाराज है, भाई भैया गाड़ी नहीं चला रहा, तो बाप बोले भैया को दे देना तुम गाड़ी 1 घंटे बाद। मुझे गाड़ी नहीं चलाना आती, कैसे चलाऊंगा? ये किसने बोला गाड़ी चलानी है, पहले बता। गाड़ी चलानी है ऐसी बोल रहे तो उसको बोल लाऊंगा मैं। बाबा गुस्सा आ गया भाई। हम लोग जा रहे घूमने, ये तबलीग में जा रही है। अच्छी बात है, तबलीग में जा रहा है। मुंह अच्छा बनाओ यार, तुम क्यों नाराज हो गए? ऐसा मुंह बनाऊंगा? अच्छा भाई ले लेना गाड़ी, भाई भाई ले लेना गाड़ी। हां 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 हंस लेंगे जब हंसना होगा तो भाई। कुछ खराबी हो गई क्योंकि भैया ने मोटिव इंजन कराई हुई है, ठीक है, और अगर उसका इंजन मसला आ गया, टायर निकल गया बाहर गलती से, तो इसलिए पापा ने फिर बोला कि जो भी मसले हैं वो पापा और भैया के मसले हैं, ठीक है। भैया और पापा का मसला चल रहा है गाड़ी के ऊपर, तो बस यार मतलब अच्छा ही हो गया, मसला बन गया। चलो 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 आ जाओ। 2 बैग जा चुके हैं, अब 3 बैग बचे हैं। भाई याद आ रहा है कि ये रह गया। इम्पोर्टेंट भी है ना यार, कुछ भूल के ना जाए ना, क्योंकि ज्यादा दिन के लिए जा रहे हैं। चलो चलो चलो। मेरा गुड्डा जो है वो सोते हुए जा रहा है। क्लासेस कर दिया भाई घर को, और अब घर को मिलते हैं भाई कुछ दिनों बाद। चलो चलो। तो भाई पापा की गाड़ी में पहले बैग रखेंगे, पापा की गाड़ी में कौन कौन से बैग आ रहे हैं, ये चीज, छोटे मोटे जो बैग है ना साइड में आ जाएंगे वो। और गाइस मेरी डिग्गी देख लेते हैं भाई, इसमें कितना सामान है। भाई ये भी फुल हो चुकी है मेरी डिग्गी, सब इसके पीछे रख दूं? सर्दी तो नहीं होगी गाड़ी में? एसी चल रहा होगा ना, तो फिर एक गाड़ी पापा की, एक गाड़ी मेरी, और एक गाड़ी मेरे फ्रेंड की जो कि मेरे साथ जा रहा है। यार नहीं ये उड़ गया, मैं जिम्मेदार नहीं हूं। गाइस 2 बैग बचे जो कि हमें पीछे रखने पड़ रहे हैं, क्योंकि हमारी डिग्गियां फुल हो गई। आधे से ज्यादा टाइम तो नीचे ही लग गया हमें बैग रखने में, क्योंकि भाई बड़ा सफर है तो फिर बड़ी तैयारी होती है ना। जी तो बैठने लगे हैं। सो भाई मैंने अपने लिए ये भी रख लिया है कि गर्दन वर्दन में दर्द हो जाए तो ये पहन लेंगे। भैया आगे बैठा हमारे साथ, भाभी पीछे, और सबा पीछे, और बासिल भी पीछे। बाकी पापा के साथ जो है वो मम्मा, बाजी, फरिया, और हाँ बाकी दोस्त के साथ डमाडस और दोस्त। सो टोटल हो गए 3 गाड़ियाँ। सफर की दुआ पढ़ लो भाई। सुभान अल्लाह जी सफर लना हाजा मा कुन्ना लहु मुकिनिन व इन्ना इला रब्बिना मुनकलिबून। बाय बाय ताजुन। टाइम हो रहा है सुबह के 4, हम थोड़ा सा अर्ली निकल लें ताकि हम जो है ना वो जल्दी जल्दी सफर तय कर लें। यहाँ से 1 घंटा जो है वो हैदराबाद है, तो हैदराबाद क्रॉस करने के बाद फिर मुझे लगता है कि हो जाएगी फिर सुबह, तो सुबह का सफर फिर सारा हम आगे तक करेंगे, इस्लामाबाद तक करते हैं या मुल्तान तक करते हैं, ये पापा डिसाइड करेंगे, वो भी रास्ते में डिसाइड होगा। पापा ने जितना चल सकते हो उतना चलाओ। तो पहले स्टॉप ही भाई हमने टूल से पहले ले लिया, क्योंकि हमारे पेट्रोल में सिर्फ 2 सेल बचे, तो हम इसको फुल करवा लेते हैं। लॉन्ग सफर कंटिन्यूसली, मुझे लगता है कि हमारी जो राइड होगी वो काफ़ी लंबी होगी। कंटिन्यूसली मुझे लगता है कि जो हमारी ड्राइव है ना वो काफ़ी लंबी होगी, मैक्स 10 घंटे या 11 घंटे, बट बीच में हम स्टॉप भी लेंगे। तो यस, फर्स्ट टाइम है तो स्टॉप तो लाजमी लेना पड़ेगा। फुल। देखते हैं भाई फुल कितने का होता है। 10,000 भी हो गया गाइस, 11,000 का टोटल हो गया, 3-4,000 का पहले से था। कराची को अलविदा कह दिया, लेट्स गो। चलानी है गाड़ी? नहीं, हैदराबाद में ले लेना यार, पाप समझा करो यार, हैदराबाद में ले लेना भाई।
अरे चला लेना ना यार, चलाओ, तुम चलाओ, अपना एक्सपीरियंस लो, मुझे बहुत है, देख लो, सोच लो, अगर दिल करे तो बता देना, प्लीज यार, प्लीज। मैं 24 घंटे गाड़ी चलाता रहता हूँ। हाँ ये तो है, तुम कराची में 24 घंटे गाड़ी चलाते हो, अगर मेरा नींद भी ना गई तो फिर तुम चला ले, हमारी मर्जी है भाई, आसरा दो कम से कम एक यार के। देख भाई एडियो दुबई अभी थोड़ा थोड़ा सा ना ठीक होने लगा है, मुन्ना भी तो घर में नाराज हो गया था भाई, तो अभी एडियो दुबई चला लेगा भाई, मुझे नींद आएगी तो चला लेगा। ओ भाई सामने जो है टूल दिख चुका है भाई, ये है टूल हैदराबाद का। मैं अपनी लाइफ में फर्स्ट टाइम ड्राइव करके हैदराबाद तक आया हूँ। तुम कभी आए हो हैदराबाद ड्राइव करके? खुद तो ड्राइव करके नहीं आया, नहीं आया, पापा के साथ ही आए थे। पापा के साथ क्या वो तंग कर रहा है ये बासिल? इसको ना नींद आ रही है बहुत और सो नहीं रहा। गाइस बासिल ने तंग तो करना है, और बासिल की हमें छोटी छोटी चीजें गाएंगे भाई। बासिल ने हमारे साथ टूर पे क्या क्या किया, मतलब कैसे कैसे तंग किया मैं यार वो, तो क्या सिर्फ गाड़ी गाड़ी का सफर है तो तंग तो करेगा। 340 गाइस हमारे पहले टूर पे 340 रुपए कट रहे हैं। हम आपको बताएंगे भी कि भाई कितने कितने हमारे पैसे लगे टूल के सिर्फ, तो आप गिनते रहना यार। क्या हुआ पापा शान है? पापा गाड़ी चला रहे ना, कैसे लेंगे पापा बताओ। अच्छा पापा पास आ जाओ, थोड़ी गाड़ी रुकते हैं फिर पापा पास आ जाओ। चुप हो गया भाई, पापा पास आने को बोला, चुप हो गया। थैंक यू भाई, बहुत जल्दी आ गया। 5 बजे हम वहाँ से निकले, पेट्रोल पंप से 50 मिनट लगे पहुँच गए। हाँ आपकी गाड़ी कितनी स्पीड में चल रही थी? मेरी तो 140-150। पापा की गाड़ी भी बड़ी अच्छी है यार, मतलब मैं 140 था, पापा भी 140, पापा मुझसे आगे। भाई इस बासिल को हमने कर दिया आगे, क्योंकि इन्होंने रोना थोड़ा दादा डाल देता पीछे। अरे ये कौन सा टूल आ गया भाई? ये अभी कोई पड़ा है दूसरा टूल, तीसरा टूल। इस पे लिखा हुआ है नेशनल हाईवे अथॉरिटी सईदाबाद। हम अभी पीछे से इतने सारे गांव से होते हुए आए जो कि सिंध के गांव लगते हैं, इतनी हरियाली थी। और लेकिन मैं ड्राइव कर रहा हूँ तो मैं जब भी ज्यादा कैमरा नहीं खुल रहा, जहाँ पर स्टॉप पड़ रहा है वहाँ पर कैमरा खोल रहा हूँ। क्या पापा क्या खरीद रहे हैं? ये पापा ने शायद केला खरीदा। भाई चौथा टूल प्लाजा आ गया जो कि है मूरू टूल प्लाजा। मूरू पहुंच गए भाई, यहाँ पर जो हमारा प्लान है स्टे लेने का, क्योंकि यार मुसलसल 4 घंटे से ड्राइव कर रहे हैं, 4 बजे घर से निकले थे और अभी हो रहे फिक्स 8। वो व्लॉग पता नहीं लग रहा होगा तो कि ज़्यादा सफ़र नहीं दिखा रहे, बस सिनेमेटिक लेकर बता रहे हैं कहाँ पहुँच गए। सो मूरू में हम नाश्ता करेंगे, और मैंने तो है शूज़ वूज उतार दिए, ये देख सकते हैं आप मैंने शूज़ उतार दिए। कितने रुपये हो गए होंगे? साधु चले जाओ। चलो जी भाई, पापा जो है ना वो पैसे कटा देते मेरे, तो ये बोलते हैं जाओ भाई। अरे अरे आंटी कहाँ बीच में बैठी हुई? अरे 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 ये कहाँ बैठ गई? इतना प्यारा व्यू है ना, इधर भी घास, कभी पेड़ आ रहे हैं केले के खजूर के, फिर घास आ जाती है, खेत आ रहे हैं, आए हाय हाय मज़ा ही आ गया भाई। गाइस इतना मज़े का सफ़र है ना गाइस, क्योंकि एक जगह पर घास आ रही है, एक जगह पर कभी पेड़ आ रहे हैं, कभी फ्रूट्स आ रहे हैं। ये सफ़र इतना मज़े का है तो सोचो यार कि वो जो नरान की जब हम पहाड़ियाँ, आए हाय हाय हाय, ड्रीम सफ़र है मेरा ये। मैं ड्राइव करके खुद जा रहा हूँ, जो कि एक ड्रीम था, आप लोग को बोला था एक दिन ड्राइव करके भी जाएंगे, सो मज़ा ही आ गया। अबे तांद्री तू बहुत गड्ढों पे मार रहा है बे, यहाँ मेरे को लग रहा है रोड भी ऐसे हैं कि थोड़ा थोड़ा बीच बीच में खड्डा आ जाता है, तेज स्पीड में तू सही चला रहा है फिर भी। तो आ चुके सामने ही भाई नाश्ते का हमारा होटल। हाय क्या हो गया? हाय मुझे नींद आ रही थी, लेकिन गाड़ी इतनी हिल रही थी ना टकरे अलग अलग, मुझे तो बहुत मजा आ रहा है सफर में। नहीं नहीं मम्मा ने बोला हाँ चला लूंगा, मजा आ रहा। आपको नींद आ रही है सच में? भैया हमारे पास एक्स्ट्रा ड्राइवर है ना, पापा बकने आप बड़ी क्लासी गाड़ी चला रहे हैं भाई। भाई पापा जो है ना वो 140 और 140 से नीचे ही नहीं आ रहे भाई, पापा के पीछे कर करके मैं थक गया हूँ। 130-140 लेकिन मजे की ड्राइव हो रही है, क्योंकि यहाँ पर जो है ना वो लिमिट नहीं लगी हुई यहाँ पर। ये अभी मोटरवे पे नहीं चढ़े अभी तक हम, तो हम फिर जब मोटरवे चढ़ जाएंगे तो फिर 120-100, क्योंकि वो खाली रोड भी होते हैं और वो टूटे बूटे नहीं होते यहाँ पर, कुछ टूटा हुआ आ रहा है तो रुक जाते हैं, फिर मतलब सीधा सीधा आते तो फिर बकाते। आप कैसे आओगी यार, ये तो सो रहा है। एक काम करता हूँ आपके लिए नाश्ता भिजवाऊँ? मैं नाश्ता नहीं करूँगी, मुझे उल्टी हो जाएगी। हाँ भाई सफर में उल्टी भी हो जाती है ना, सबक बोलिए मुझे वॉमिट सा हो रहा है तो नाश्ता नहीं। पानी ले आऊँ आपके लिए? कुछ तो बताओ, मतलब कुछ हल्का बिल्कुल खाना पड़ेगा। पापा ने बोला नाश्ता तो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि नाश्ता के बगैर फिर आगे कैसे सफर करोगे भाई। चलो आप तो सो जाओ, आपको थोड़ी बोला नाश्ता करने का, आप सो जाओ भाई। लेटने की जगह दिख गई, अबे टमाटर थोड़ा सा सुला दे यार, एक मिनट भी नहीं सोया चल सो जा फिर, इसको बंद कर सो कर। आ चुके हैं भाई हमारे अंडे और पराठे, किधर गए? अच्छा पराठे ये रहे, सॉरी सर दिख ही नहीं रहा भाई। सो नाश्ते में हमारे पास आज अंडा और पराठा, तो करते हैं फटाफट से नाश्ता और देन फिर उसके बाद ड्राइव अगेन। अरे हमारे राइट साइड पे दरिया सिंह चलते हुए जा रहा है जो कि कराची तक जाता है। आज का 5वां टूल रानीपुर भाई, 5 टूल कर लिया आज के दिन, और स्टिल आई एम अप भाई। 10:30 हो गए अभी, और अभी नाश्ता तो कर लिया था, तो अब हम डायरेक्ट रुकेंगे लंच के लिए। लंच हम समथिंग 2-3 बजे करेंगे, तो गाइस जब तक गाड़ी ड्राइव करनी है 5 घंटे, और बहुत नींद आ रही है भाई आके, आप देख सकते हो फुल नींद में,
लेकिन गाड़ी तो चलानी है यार। अगर आप थक जाओ तो मैं चला सकती हूँ गाड़ी। खत्म, टाटा, बाय बाय। सक्कर 59 किलोमीटर। सक्कर के बाद जो है ना वो मोटरवे पे थोड़ा अच्छा हो जाएगा, क्योंकि ये सिर्फ शायद सुपर हाईवे है या फिर बाईपास एक तरीके से। गाइस टंकी हो चुकी है आधी, तो अब दोबारा से पेट्रोल पंप पे रुक चुके हैं। तो पापा भी, अब पापा की टंकी जो है ना गाइस वो एक सेल बचा है, मतलब पापा की टंकी छोटी है, मतलब गाड़ी की यार, इस वजह से पापा को दोबारा फुल करवानी पड़ रही है और हमें तो आधी डलवानी पड़ रही है। फाइनली चढ़ गए भाई मोटरवे के ऊपर। अभी जो हम 7वें या 8वें टूर पे जाने वाले हैं वो रहा सामने, रोहरी टूल प्लाजा। पर्ची पर्ची पर्ची, अब आया ना फील भाई कंफर्ट का यार, खड्डों से दूर, बस साफ साफ रोड, आय हाय हाय, तीन तीन लेन, क्या बात है। पाकिस्तान में इस तरह के रोड होना सारे मजा ही आ जाए। अब हम जाएंगे भाई लिमिट में 120-110 जस्ट। चल पल्ले मेरे छोड़ ये फेरे, ये दुनिया छुट्टी लोग लुटेरे, चल पल्ले मेरे। मुल्तान सिर्फ 500 किलोमीटर बाकी है, 300 रह गया सिर्फ, जल्दी जल्दी 300 भी कर। पापा किधर मुड़ रहे हैं, खाने के लिए मुड़ रहे हैं हम रहीम यार खान में। पापा बोल रहे हैं भाई रहीम यार खान रुकते हैं, खाना खाते हैं, लंच करते हैं, देन उसके बाद फिर निकलेंगे डायरेक्ट मुल्तान के लिए। पापा को फॉलो करते करते फिर हम जा रहे हैं पापा के पीछे पीछे, ड्राइव करके मजा आ गया। सिर्फ 200 किलोमीटर बचा है मुल्तान, जहाँ पर है आज का हमारा स्टे। यहाँ पर 300 रुपए कट रहे हैं हमारे, और तो हिसाब लगा लो कितने हो गए अभी तक, दो टूल पे कटे। पापा किधर खाना है, खाना इधर ही खा ले, चले 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 चले, लगाए लगाए जा टमाटर देख कर। आप बोलने भाई पहले होटल देख लो कि होटल सही है कैसा है, ये वाला अच्छा है ये वो वाला, फिर वहाँ बैठेंगे जो सही होगा। होटल में देख कर आया, वो होटल सही नहीं है। उसने क्या बोला फिर? अबे उसने बोला सर्विस पे खा लो। जो सर्विस आती है मोटर पे रेस्ट रूम? अच्छा उधर रुकते हैं भाई, यहाँ पर रेस्ट का लिखा हुआ होगा ना वही रुक जाएंगे, और वहाँ पर कुछ मिल जाएगा तो वही खाएंगे। रहीम यार खान वालों थैंक यू सो मच, आपके हम लोग टूल के अंदर आया लेकिन आपने हमसे 300 रुपए लिए। खैर देखने आए थे बट हम लोग पूरा अंदर नहीं गए, अगर पूरा अंदर जाते तो फिर खाने ही खाने मिलते हमें, बेस्ट है बेस्ट। अबे भाई, ओ भाई दोबारा से पर्ची मिल गई है, रेस्ट एरिया आ गया, वहाँ पर कुछ मिल जाए भाई। खाने का नहीं मिला तो फिर समझो सोने का मिलेगा फिर, क्योंकि रेस्ट है ना। आहिस्ता आहिस्ता मेरी आवाज़ भी खत्म होती जा रही है भाई, क्योंकि आवाज़ की भी एक लिमिट होती है। अब मैं पूरी रात से जाग रहा हूँ और तो मेरा हाल पता है आपको क्या हो रहा है। रेस्ट रूम ही मिल गया भाई, कोई रेस्ट रूम में चाय बनती हुई दिख रही है भाई। चाय थोड़ी पीनी हमने और वॉशरूम भी आ गए, बट हमें खाना खाने टपाटस। जगह जगह खाने रुकते रहेंगे क्या हम? वहाँ यार हम तो गलत जगह पर चले गए थे खाना खाने, ये है जगह। भूख तो नहीं लग रही है? नहीं कुछ खाओ ना, क्या भूख नहीं लग रही? नाश्ता तो किया था अभी। अच्छा तुम बोल रहे हो कि गाड़ी में बैठे बैठे भूख नहीं लग रही ना, एक जगह बैठे हुए डाइजेस्ट ही नहीं हो रहा, लेकिन हमें लग रही है भाई, हम गाड़ी चला चला के ना मतलब भूख सी लग रही है यार, भले नहीं डाइजेस्ट हो रहा लेकिन फिर भी लग रही है। टिंगू पिंगू। तो भाई जा रहे हैं रेस्टोरेंट के अंदर और देखते हैं भाई हमें आज क्या मिलेगा दोपहर के खाने में। ये कैसे रेस्टोरेंट में आ गए पापा के तो बंद है। ये कहाँ गए पापा? मैं क्या बोलता हूँ डायरेक्ट मुल्तान ही चलते हैं बस। आप ठंडा अंडा ले लेंगे पापा बोलने पे, पानी है ठंडा अंडा ले लो, देन उसके बाद अब खाना नहीं खाते, अब मुल्तान में ही खाएंगे भाई। खुआरी हो गई दोनों बार यार, कुछ ज्यादा गर्मी लग गई तो हम ठंडे ठंडे पानी से मुंह धो रहे हैं ताकि नींद भी उड़ जाए और फ्रेश भी हो जाए। आ जाओ पापा, पापा पापा कभी दिल करे ठंडे ठंडे पानी से मुंह धोने का। बड़ी गर्मी है यहाँ पर, बहुत गर्मी है। धूप में मत जाना, काले हो जाओगे। अबे बस यार गाड़ी में जाएंगे, धूप में क्यों जाएंगे? इसको लगा धूप में जाएंगे, गाड़ी में जाएंगे डायरेक्ट। जी तो ड्राइवर बैक भाई, ये डुबाई ने सबकी गाड़ी चला ली भाई, वो भी चला ली, पापा की भी चला ली, अब मेरी चला रहा है। थोड़ा सा मैं भी थक गया हूँ यार, देख कर जाइए शपाटर ड्राइवर बिठा दिया तेरे साथ। तो अब जो है मुल्तान तक सफर करेगा, मुल्तान में 2 घंटे हैं क्योंकि 200 किलोमीटर है, तो स्लो स्लो जाएंगे ना। So yes, so let's go मुल्तान। Literally इतना मजा आ रहा है, पूरी फैमिली है ना, तो बात ही अलग है यार फैमिली के साथ जाने की, कसम से बात अलग है भाई। अभी अकेले जा रहे होते बोर हो जाते, या किसी दोस्त के साथ जा रहे होते बोर हो जाते, सब है मम्मा पापा भाई बहन, आए हाय 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 मजा आ रहा है। ये देखो भाई ये होता है शपाटर राइडरों का काम, रोक दो भाई रोक दो, स्लो 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 स्लो। टांगे ने जवाब दे दिया है, बोला कि भाई शूज उतार के बैठोगे तो बैठ सकते हो वरना तो नहीं बैठने देंगे, मतलब सही दर्द हो गया टांगों में। फिर हमारी आधी टंकी हो गई और फिर पेट्रोल डलवा रहे हैं गाइस, ये हमारा तीसरी बार पेट्रोल डल रहा है कि फुल टंकी खत्म हो के नहीं डल रहा, मतलब हाफ हाफ टंकी पे समझ लो कि हमने अगर ये डलवाया ना तो समझो हमारी 2 टंकी हो जाएंगी फुल। शीशे भी काफी गंदे हो गए भाई, इतनी सारी फ्लाइज आके इस पर टकराई है ना, टक टक टक, सामने वाला भी हो गया था ये तो अभी हमने साफ करवा दिया, और थोड़ा थोड़ा अभी भी बाकी है, जैसे कि ये निशान ये निशान, और कहाँ है और कहाँ है, और छोटे छोटे और दिखेंगे आपको जब आप बच्चों के साथ ट्रैवल कर रहे हो। देखिए मैं कहाँ बैठी भाई, बासे ने तो बैठ समझ लिया पापा की गाड़ी को। हाँ मजा आ रहा है पापा की गाड़ी में बैठ समझ के, हाँ मजा आ रहा है। दिल तो चाह रहा सो भी जाऊँ और दिल चाह रहा नहीं भी सो, क्योंकि पहली बार सफर कर रहा हूँ तो दिल चाह रहा सब देखूँ और
थकान हो गई। दोबारा फिर आ जाना यार। नहीं ना, लेकिन पहली बार का एक्सपीरियंस तो एक्सपीरियंस होता है ना। नहीं, नहीं ऐसा नहीं होता है। मुझे याद रहेगा कि मैं जाग रहा था, सुबह रात का नहीं सोया था और बाय रोड सफर किया, इतनी मैंने चलाई, इतनी बगैर चलाई, इतना मैं सो गया, ये सारा एक्सपीरियंस होता है। वो दोबारा भी हो जाएगा। नहीं ना, पहला एक्सपीरियंस पहला होता है भाई। अच्छा? पहला एक्सपीरियंस। हाँ गाइज, मुल्तान 40 मिनट रह गया है, 3:30 पर हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह। हेलो आपा, पहुंच गए मुल्तान हम लोग। वो है ना, ये पूछा दिया इसने, आप लोग पीछे रह गए। मुल्तान हमें 3:30 बजे पहुंचना था, भैया ने 3:10 पे पहुंचा दिया। सही बोला तो टमाटर से, हैवी ड्राइवर है। इसके बाद हमें कहाँ जाना ये तो पता ही नहीं है, हमें वेट करना पड़ेगा उन लोगों का भाई। आगे रोक देते हैं। क्या हो गया है? आगे लिए था फिर रो रहा, आगे भी पीछे भी रो रहा है, सब लोग भाई। टिंगो पिंगो आ गए पापा पास, तो अभी भी रो रहा। आ गया करे भाई, क्या ये सलेंटी सलेंटी बम्बड़े वाला सलेंटी खिलाओ इसको, खा लो गुड। इस बार छोड़ के नहीं गया इसको। गाइस देख लिया आपने, बोला था ना इसको लेके जाएंगे, तो अब लेके जा रहे हैं। गाइस हमें टोटल टाइम हो गया है घर से निकले हुए 11 घंटे, बट हम काउंट करेंगे वहां से जहां पर हम पेट्रोल पंप फर्स्ट पे रुके थे, क्योंकि वहां पर हमें आधा घंटा लगा था। हमारा फिर जो सफर था ना, वो मोटरवे से ही स्टार्ट कर रहे हैं हम, क्योंकि घर से निकलते हुए ट्रैफिक मिला था और हल्का हल्का जा रहे थे। तो टोटल 10 घंटों में हम अल्हम्दुलिल्लाह पहुंच गए मुल्तान, और अभी हमने मोटरवे पे ही स्टॉप ले लिया है। अब पापा आते, पापा से पूछते, पापा अभी तो 3 बजे, अगर इस्लामाबाद जा सकते हैं तो चलते हैं, वरना फिर मुल्तान में स्टे करते हैं। ओके देखो 3 बज रहे हैं अभी, और 3 बजे अगर हम स्टार्ट लेते हैं तो इस्लामाबाद हम पहुंच जाएंगे इंशाल्लाह 6 घंटे के अंदर अंदर, या 5 घंटे के अंदर अंदर, काफ़ी टाइम है हमारे पास। ओए पापा गए, ओए 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 भाई सारे स्पीड में जा रहे हैं। तुम स्लो चलाओ, नहीं नहीं तुम स्लो चलाओ, तुम आओ गाइस ने फिर देखो स्पोर्ट्स कर दी। पापा के पास जा रहा हूँ यार। पापा के पास नहीं भाई, तुम तेज ही चला रहे हो भाई, जब भी हम डरते से आप बैठने हैं भाई, पता लग गया आपको। पापा को तो देखो कितनी। हाँ पापा भी जा रहे हैं भाई स्पीड में, वो भी तुम्हारे पापा है ना फिर। अरे भाई इस्लामाबाद तो नहीं जा रहे कहीं अब? पता नहीं, पापा को कुछ नहीं पता। पापा तो ऐसा लग रहा है कि नारान पहुंचाएंगे डायरेक्ट। गाइस पापा को ही बड़ा मजा आ रहा है, हम पापा को ही फॉलो कर रहे हैं, पापा से आगे नहीं जा रहे। तो पापा हमें बोल रहे हैं कि भाई चलाते रहो गाड़ी जितनी चल सकती है। अभी हमारी कॉल में बात हुई, हम रुक नहीं रहे बार बार, तो हम कॉल में बात कर लेते हैं। तो पापा ने बोला कि भाई जितनी चलती है चलाओ, बाकी फिर देख लेंगे क्या होता है। तो फिर अल्लाह का नाम लेके फिर हम पापा के पीछे पीछे इस्लामाबाद 476 किलोमीटर रह गया। यार माज भाई तो बोले थे मैं नहीं सोऊंगा और मैं रोड का एक्सपीरियंस लूंगा। देखिए माज भाई सो गए। माज भाई, माज भाई उठ जाओ। छोटा भाई यूं पर नहीं सोया भाई। नहीं आंख खोल के दिखाओ, पहले मुझे दिखाओ। उठ गए? चलो उठ जाओ, उठ जाओ। बार भाई इसके अंदर तो पूरा अंधेरा अंधेरा है। अच्छी नींद आई आपको? कितने घंटे सोए हो? आधा घंटा सोए होंगे मुश्किल से। बस सिर्फ आधा घंटा? यस। तो और सुने तो भाई, तो माज भाई तो यहाँ सो गए थे, लेकिन भैया ने क्या करा, पापा को सीधे जाने दिया और भैया मुड़ गए यहाँ पर। अब पापा और हम अलग अलग हो गए। मैंने सुना कि भाई पापा अलग हो गए तो आँख ही खुल गई यार, और अब आ चुके हैं। अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, अरे भाई, ये हम किस जगह पे इस टाइम पे? पानी पी रहे हैं और बस निकाल रहे हैं, ये चल रहा है यार बस बाय रोड पे। तो सब अजीब सा हो गया, सो गया ना क्या हो गया बेटे, गाड़ी में पानी नहीं आ रहा है। क्या करूँ ठंडा पानी मिल गया भाई, इतनी गर्मी की शिद्दत है ना कि बार बार पानी से मुंह धोना पड़ रहा है, वो भी ठंडे ठंडे। अरे आधे घंटे नींद की है, ऐसा लग रहा है कि पूरे दिन की नींद कर ली सफर में। 1 घंटा आधा घंटा बहुत है। मैंने भैया को इतना बोला कि पापा के साथ साथ हो, लेकिन नहीं नहीं मेरी सुनी नहीं देते। पर ये हाउस बनी हुई थी, मैं सो गया था ना, तुमने नहीं सुनी इसकी क्या? काफी ज्यादा जो है भाई यहाँ पर गाड़ियाँ रुकी हुई है, लोग भी रुके हुए, तो फिर हम भी इसमें से कोई रेस्टोरेंट देख के वहाँ पर खाते हैं खाना। उधर फरिया देखते मेन्यू और मंगाते कुछ ना कुछ। टाइम अभी 6 बज गए और इस्लामाबाद पहुँचते पहुँचते मुझे लगता है कि हमें 9 बज जाएंगे, क्योंकि 300 किलोमीटर अभी भी रहते हैं। भाई आ चुका है हमारा दोपहर का खाना, हमने क्लब सैंडविच मंगाया है, बाकी रैप मंगाया है, वो रैप मंगाया है, वो रैप मंगाया है, भाई मॉम ने पिज्जा मंगाया है। पापा अपने अचानक से प्लान चेंज कर लिए थे मुल्तान और इस्लामाबाद वाला। रोड पर गाड़ी नहीं थी। हाँ मेरा मौका अच्छा है, अभी चलो। तो अगेन ड्राइव स्टार्ट कर दी है और ये था हमारा लास्ट स्टॉप, इसके बाद कोई स्टॉप नहीं है, बस 300 किलोमीटर जो है ना वो डायरेक्ट ड्राइव करके मैं जा रहा हूँ इस्लामाबाद। और पापा लोग आगे निकल चुके थोड़ा सा, सो उनको पकड़ते हैं। बस टिंगू पिंगू ने ना भाई बड़ा तंग कर दिया, टिंगू थक गया है भाई यार, इसकी भी कोई गलती नहीं है यार, सफर बड़ा लंबा है और ये छोटा है। मैंने पूरे सफर बस यही किया है। ओ ला इलाहा
सो जाओ मेरा मुन्ना, सो जाओ जल्दी सो जाओ भाई। माशाल्लाह से सारे सो गए भाई, सिर्फ मैं अकेला ड्राइव कर रहा हूँ और कोई म्यूजिक भी नहीं लगाया, बस ड्राइव को एंजॉय कर रहा हूँ। इस्लामाबाद इस्लामाबाद एंटर होते हुए गाइस फाइनली रीच। मॉर्निंग यार, किस तरह सफर किया है तो अभी गाड़ी से उतर के पता लगेगा। बैग की हालत खत्म, टांगों की हालत भी खत्म, आंखों की हालत भी खत्म, मतलब पूरे ऑर्गन्स की हालत खत्म भाई। नींद नहीं की ना यार, वही 20 मिनट नींद की बस, वो भी गाड़ी में यूं होते। किसी की भी नहीं हो यार, जितने भी लोग जा रहे हैं हमारे साथ सब गाड़ी में बस घूम रहे हैं। बस हमने थोड़े बहुत स्टॉप ज़्यादा लिए थे क्योंकि हमें पेट्रोल डलवाना था और हमें कुछ खाना भी ना होता था। और इस वक्त टाइम 9:30 हो रहे हैं, मुल्तान लाहौर इतना पैसे कट रहे हैं भाई। अब आप टोटल कर लो भाई कि कितने पैसे कटे होंगे, यहाँ पर भी 1000 दिए और शुरू के मुझे याद नहीं है कि कितने कितने मैं दे चुका हूँ। सो आपको याद होगा, आप लोग देख रहे हो भाई। चलो बस, तुमने लोकेशन तो देख ली ना। तो गाइस भैया ने लगा ली है भाई लोकेशन होटल की, तो भैया को फॉलो करते करते चलते हैं होटल। आए 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 आए, बस भाई बस। मैं तो बोल रहा हूँ भाई यहाँ पर ही एंड कर दो, एंड कर दूँ ब्लॉग। कैसा खतरनाक जग गए। कितने घंटे हो गए आप टोटल, कितने घंटे हो गए? 17.5 घंटे हो गए। 17.5 घंटे, 17.5 घंटे से हम ड्राइव कर रहे हैं। सो भाई रूम ले लिया हमने, हमें रोज के रूम 4 रूम लेने पड़ेंगे क्योंकि हमारे पास लोग बहुत ज्यादा हैं। कि हम लोग ने 3-4 होटल विजिट किए बट उनके पास अवेलेबल नहीं थे, तो मैंने बोला कि यार व्लॉग नहीं बनाते, बड़ी ख्वारी हुई है उसमें भी अभी अलग। सबसे पहले आपको दे देते अपने रूम का विजिट। तो भाई मेरा और सबक का रूम है ये वाला, देख सकते हो आप, नॉर्मल है, उसके साथ एक वॉशरूम। और पापा लोगों का रूम दिखाता हूँ आपको। ओए भाई, पापा लोगों ने लिया है स्वीट, जिसमें एक आता है ये छोटा सा लिविंग सा रूम और इसके बाद फिर बेड आ गया और फिर यहाँ पर टैब में लग गई और ये आ गया भाई एक बेड। मॉम आराम कर रही है, करें आराम करें। और क्या है भाई मॉम आपके? अबे भाई मॉम का वॉशरूम तो देख लें। ओए अबे ये कमरा है या वॉशरूम है? इसमें क्या है भाई, इतने सारे गेट हैं मम्मा के स्वीट में तो। ओए भाई छोटा सा किचन भी दिया है, वाह भाई। अबे वाह टमाटर, तू तो खाना भी बनाएगा बे, और लेट लेट के आएगा वॉशरूम में। और एक रूम जो है वो भैया भाभी का है और एक रूम हमने नीचे लिया, क्योंकि हमने 4 रूम लिए टोटल। ब्लॉग को तो भाई इधर से ही एंड करते हैं। उम्मीद है आपको ब्लॉग पसंद आएगा, ब्लॉग को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब मस्ट 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 कर दो। सबको बहुत मजा आया लेकिन सब थके हुए, तो आपको पता है फिर कोई ना कैमरे के सामने नहीं आएगा, यूं कर रहे मैं तो फिर मुझे ब्लॉग तो करना है तो मैं करना पड़ रहा है। सो यार तुम लोगों ने लाइक नहीं किया ना यार ब्लॉग, तो पर ख़राब हो जाएगी आपकी मेरी बात, क्योंकि चक्कर से आ रहे हैं मेरे को, लिटरली चक्कर से आ रहे हैं भाई। मैं यूं गिर रहा हूँ, सो यूं बस बेड पे लेटूंगा और लंबा सोऊंगा लंबा। मेरा एक काम कर दे, क्या भले आप लंबा सोएं छोटा। क्या क्या क्या? मुझे बैग नीचे से ऊपर मंगवा दें। वो तो आ जाएगा, वो इतनी सी बात वो तो बोले कर आएंगे ना होटल वाले, मेरे लिए बहुत कुछ है। ओके ओके ओके, सो यार प्लीज लाइक कर देना तुम लोग बस ये बोलो। बाकी जो है ना कल इंशाल्लाह फिर निकलेंगे यहाँ से नारायण के लिए। सो ये सफर थोड़ा सा गर्मी वाला था और थोड़ा सा तकलीफ़ देता, क्योंकि बस था क्योंकि ज़्यादा लंबा था ना यार, काफ़ी 1000 किलोमीटर था ये। और दूसरा के जो नारायण वाला सफ़र है वो ठंडा होगा, मज़े का होगा, उसमें ये लोग खुश होंगे, तो वो देखने में काफ़ी मज़ा आएगा आपको। तो बाय, थैंक यू सो मच, अल्लाह हाफिज़। फाइनली टिंगू को एंड में बेड मिल गया। पूरे दिन ये गाड़ी में इधर से उधर मचलते रहे कि इनको बेड चाहिए बेड, लेकिन नहीं मिल पा रहा था, अब मिल गया। मेरा प्यारा मुन्ना सो जा, इतना प्यारा लग रहा है सोते हुए, माशाल्लाह।